Hey guys, welcome back to our channel जिनमें पंजाबी रील टीवी एक्स्ट्रा ते मैं तो दोस्त अमित सिंह क्रिक कमेटी का एक वीडियो आ चुकी है। भी रिएक्शन करते हैं उस वीडियो ते। टाइटल हैगा इंडिया वर्सस श्रीलंका। श्रीलंका दे नाल कल मैच सीगा ते इंडिया जीत गई। फाइनल दे विच जगह बन चुकी है। फाइनल दे विच मिलूगा इंडिया ते पाकिस्तान। क्या बात है जी। ठीक है, सो वीडियो देखते हैं। आज ये मेरा इंडिया, चक दे इंडिया। आज पूरा दिन जो है सपोर्ट करते रहे हम इंडिया को। मुझे इसी चीज़ का डर था क्योंकि जब भी हमने इंडिया को सपोर्ट करने की कोशिश या गुनाह भी किया है तो इंडिया की एग्जैक्टली वही हालत होती जो पाकिस्तान की होती। पाकिस्तानी फैंस ने जब भी जिस टीम को सपोर्ट करने की कोशिश की उन्होंने हमें रुला। सब बातों की एक ही। वैसे हूं का जो क्रिटिसाइज किया जाता डक्की बाई में किया जाता। डक्की बाई के इंस्टाग्राम के पोस्टों के थले कमेंट चेक करो, उन्हों इन गालां पै रही हैं बई इन्ना कुछ हो रहा है, बुरा हाल होया एंड पता नहीं की होएगा। सिर्फ एक सवाल मेरा है और वो है मिस्टर कोहली से। यार तुझे सिर्फ हम ही मिलते हैं कुटने के लिए, हम ही सिर्फ पेलना होता है। तूने बाकी सब टीमों के सामने तू बकरी बना होता है, हमारे सामने आके शेर बना। यार देखो पता नहीं था की चक्कर है, लेकिन वो इंडिया पाकिस्तान का मैच तो आई लगन रहा है वाकई फिक्सड। मतलब पाकिस्तानी टीम ने कोशिश तक नहीं की। उन्होंने जिवें आप मैं स्टार्टिंग कहा कि जेकर इंडिया फाइनल में पहुँचना चाहती है ना तो इंडिया नू बहुत वड्डे वक्फे दे नाल, बड़े वड्डे डिस्टेंस दे नाल पाकिस्तान नू हराउणा पैणा है। तो उही चीज़ हुई। मतलब पाकिस्तान की टीम ने कोशिश नहीं की। सच्ची इदा ही लगन दिया कि भाई ये फिक्सड है कि इंडिया पाकिस्तान फाइनल खेडूगा। बाकी टीमां तो बस कठपुतलियां हैं कि उन्होंने वैसे ही जगह भरन लिए रख्या होया। खेलना तो एशिया कप होता था इंडिया पाकिस्तान का ही है। ने भी ठेका लिया है, शुक्र है कि हम काम खेलते हैं इनसे, वरना इसने पता नहीं क्या कोई हालत बनाई हुई होती हमारी यार। और दूसरी बात ये कि पूरा साल इसकी फॉर्म शॉर्म कोई नहीं होती है और बस हम सामने आ जाते हैं तो पूरी की पूरी सेंचुरी वेंचुरी मार के साइड होकर बैठ जाते हैं। भाई जिवें थोड़ी जी पाकिस्तानी टीम है वो अफगानिस्तान के खिलाफ जो तुम अपनी सारी वो कटते हो ना गलबात, उदा यह है। पुरानी वीडियोस निकाल के मेरी देख लो, उसके अंदर मैं यही जिक्र कर रहा था। हमारे बहुत पहले जब इसके ऊपर बहुत दुनिया का बुरा वक्त आया था तो हमने इसे कुछ 40 रन करवा दिए थे और मैंने तभी कहा था कि भाई हमने इसको वो उसकी टच दे दी है, गोल्ड मेडल होना शुरू हो गई है। वही वाला मैच था मेरे ख्याल में जिसके अंदर हमने पूरी टीम इनकी आउट कर दी थी, लेकिन कोहली सिर्फ आउट नहीं होता, वो अक्षय कुमार भी एंड में छलांगे मार रहा था और अगले मैच में जाके उसने वही अफगानिस्तान के ऊपर 100 मार दी एंड देन रेस्ट इज हिस्ट्री। हमने वापस चाबी से जो नहीं यूं पकड़ा दिया कि सर ये लीजिए, ये आज आपकी फॉर्म हमने आपको दी। वो जो बाबर ने हाँ शादी में लाया था बड़ी वायरल हुई थी वो सब चीजें। खैर शुक्र है भाई कि आज इंडिया जीत गया, क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूंगा। मैंने ट्वीट ट्वीट भी की थी और जैसे मैंने ट्वीट की थी पाकिस्तानियों से अपील भी की थी कि भाई सपोर्ट मत करना नहीं तो ये टीम हार जाएगी। वही हुआ कि उधर श्रीलंका ने कम बैक कर लिया और कोई एंड में कोई 30-40 रन रहते थे तो बड़ी मुश्किल से कोई कम बैक इंडिया दोबारा करके आउट किया। और इसी दौरान पूरी दुनिया जो है वो लगी हुई थी, पूरा पाकिस्तान जो है वो कॉन्ट्रोवर्सी शुरू हो चुकी थी कि बस ये इंडिया वाले जानबूझ के हार रहे हैं। 90s में और 2010 तक बस सिर्फ एक ही नैरेटिव हुआ करता था जितने भी हमारे मौसमी जो मैचेस देख रहे होते थे। कभी कभी जो टूर्नामेंट्स से बड़े हाइप्ड हों तो उसके अंदर ट्यून इन कर लेते हैं तो वो लोग कहा करते थे जब भी मैच आ रहे हो तो ये फिक्सिंग हुई भी है बिग गए। और अभी भी जब इस तरह का कोई चक्कर होता है तो इंडिया वाले भी जानबूझ के हार रहे हो और इसी किस्म की चीज़ें कर रहे होते हैं। खैर पॉइंट ये है कि अगर आज श्रीलंका जीत जाता तो हम तकरीबन आउट हो जाते टूर्नामेंट से, क्योंकि पॉइंट्स लेवल पर यह हालत हो रही थी कि हमें श्रीलंका को ना सिर्फ हराना पड़ता बल्कि बहुत बड़े मार्जिन से कुछ 250 रन से जैसे कैमूजिन हारे हैं ना जलील होके उस तरह हाराते हम उनको तो तब कहीं जाके हमारे चांस बनते, क्योंकि अगर हम जीत जाते श्रीलंका से तो पॉइंट सबके बराबर होते और नेट रन रेट के ऊपर हमने जो मुंह काला कराया है इंडिया से उस वक्त भी मैं ये चीख रहा था कि यार कम से कम नेट रन रेट ही सीधी कर लो और कुछ करना है कि नहीं करना। सो हमने जो मुंह काला कराया हमने कहीं कभी नहीं रहना था। अब ये है कि श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों जो है उनको बस अगला जो मैच होना है वो जीतना पड़ेगा। अगर वॉश आउट हो जाए तो उसके ऊपर भी हम ख्वार हो जाएंगे, तो भी बारिश अगर आ गई तो उसके लिए भी फिर तैयार रहे आप लोग, क्योंकि बारिश तो होती है, आज भी हुई थी बारिश। लेकिन कम से कम इक्वेशन इस चीज के ऊपर आ गई कि एक किस्म का सेमीफाइनल बन चुका है श्रीलंका के साथ। श्रीलंका को श्रीलंका के अंदर हराना आसान नहीं होता। दूसरा अगर इसी तरह की जो पिचेस हुई जिसके ऊपर इतना टर्न हो रहा होगा, आज की ये जो मैच है उसको देख के ये पता लग गया है कि ये चीज थी जो कि मिसिंग थी। लोग कहते ना बाबर की कप्तानी में ये बाबर की कप्तानी में वो कमजोरी होगी, भाई वो अपने स्पिनर्स को बॉलिंग नहीं कराएगा तो और क्या कराएगा। उसे तो देना है ना कि भाई विकेटें निकालो, अगर आपके स्पिनर्स ही विकेट्स नहीं निकाल रहे हैं तो वो क्या करे मासूम। तो भाई ये वाली चीजें थी जो कल उनके कुलदीप यादव ने की है, आज वो वेला लागे जो है उसने की, आज फिर कुलदीप ने दोबारा ले लिए, जडेजा ने भी विकेटें वगैरह लिए, इन सब ने जो ये हरकतें की ये स्पिनर्स के ही डिपार्टमेंट के ऊपर हम कितना ज्यादा वीक हैं यही एक्सपोज हो रहे हैं। हमारे पास कोई स्पिनर ही नहीं है भाई जो कि विकेट टेकिंग भी हो। और इंडिया में यही चलना है, सिर्फ स्पिनर्स नहीं ही चलना है हम। हाँ, क्योंकि इंडिया जी मेरे ख्याल ऑफ स्पिनर भी कोई नहीं है, क्योंकि जो कुलदीप यादव है ना भाई वो कल्ले ही काफी है। लोग जो पेस तेज गति कर रहे हैं उसी तेज गति के साथ वापस बॉल जो है बाउंड्री से बाहर जाएगी, स्पिनर्स नहीं चलना है भाई। खैर इसी पे बात करना चाहूंगा, जो वेला लागे आया है यार
ये अभी कल परसों तक अंडर 19 के अंदर खेल रहा था, 19 साल का बच्चा था, और अब देखो 20 साल के हुए नहीं है और जितने सीनियर प्लेयर्स हैं उनको छठी का दूध याद कराया था। क्या विकटें लेके गया है, क्या खूबसूरत बॉलिंग ये करा रहा था यार, और सीधी सीधी स्पिनर ही थे, लेकिन फिर भी जो है वो लाइन एंड लाइन इतनी बेहतरीन थी कि रीड ही नहीं कर पा रहे थे इंडियंस। और फिर उसके बाद जो बैटिंग में आके इसने कमाल किया, जो खूबसूरत बैटिंग की है यार, इंडिया के हाथ से मैच लेके चला गया था, नॉट आउट खड़ा रहा 40 के ऊपर ये था, और इस पिच के ऊपर से 40 रन बनाए हुए थे, बिल्कुल फ्लॉलेस खेल रहा था मेरा दोस्त। क्या ही कोई टैलेंट मिल गया श्रीलंका को, इनके पास, श्रीलंका के पास स्पिनर्स, ये इंडियंस के पास बैटर्स, हमारे पास पेसर्स जो हैं पता नहीं कहाँ से निकल के आ जाते हैं यार इस पूरे रीजन में। ये हमारी कोई स्पेशलिटी है तीनों मुल्कों की। खैर ये बंदा जब हमारे सामने, तो जे तीन चीजा एको टीम दे विच हो जान, मेरे ख्याल दुनिया की कोई भी टीम हरा नहीं पाऊगी उन्हें। बॉलिंग कर रहा हूं पर पॉसिबल नहीं है, तो पता नहीं हमारा क्या हाल होगा। हमारा तो मिडल ऑर्डर नहीं, पॉसिबल क्यों नहीं है, पॉसिबल हो सकता है यार। तो वैसे भी अब जो है वो स्पिन को हम तो खेलते हैं, हम तो कहते हैं ये कौन सी बॉलिंग हो रही है, ये तो बंटे वन हैंड वगैरह होता है इस तरह फेंकने से, तुम ऐसा करो कि भाग के आओ और तेज गति से बॉल करो, हम सिर्फ पेस को ही खेलते हैं, हम सिर्फ 135-40 से नीचे तो हम बात ही नहीं करते किसी से, तो हमें भी तेज गति से बॉल कराओ। हमारे तो बिल्कुल लेट जाएंगे इसके सामने, अल्लाह करे कि इस पिच के ऊपर कम अज कम हमें इनके सामने ना छोड़ दिया जाए और कुछ हमारी इज्जत बच जाए। खैर इसी किसी मासूम जो मेरा दोस्त है उसको फील्डिंग करा रहे थे तुम लोग, मासूम ने जो है छलांगे मार मार के बॉल पकड़ने की की ड्रॉप भी हो गया कैच उससे, उस मासूम पूरी उम्र वो विकेट कीपिंग करता रहा, ग्लव्स पहन के उसने बॉल पकड़ने की उसको आदत है, उसको तो बगैर ग्लव्स के समझ ही नहीं आएगी कि ये मैंने किस चीज को हाथ लगा लिए, ये तो बिल्कुल कोई नरम नरम सा डड्डू सा चीज है, ये क्या मैंने क्या पकड़ लिया। खैर इंडियंस ने भी जो पहला मैच था उसके अंदर सारी विकेटें दी थी पेसर्स को जब हमारे साथ खेल रहे थे, और आज सारी विकेटें दे दी हैं स्पिनर्स को, बिल्कुल बराबर रखा हुआ है, किसी के साथ किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही है, तो आज हम सारी की सारी स्पिन बॉलिंग को देंगे। खैर बड़ा आया श्रीलंका का, पूरा क्राउड आया हुआ था, उनके थोड़ा सा दिल भी दुखा यार कि बेचारे हार गए थे, बड़ा ज्यादा एक्साइटेड थे और एक प्रॉपर माहौल बना हुआ था पूरे स्टेडियम के अंदर, लेकिन चलो हमारे लिए तो अच्छा है कि वो हार जाएं, बट मजा आया। वो जो लोग कह रहे थे ना कि स्टेडियम खाली, भाई वो नहीं इंटरेस्टेड है पाकिस्तान में और इंडिया में, भाई वो अपनी टीम के अंदर इंटरेस्टेड है, तो वो आए हुए थे और देख रहे थे और बड़ा जबरदस्त माहौल मचाया। लेकिन जो सही है सारी दुनिया अपनी अपनी टीम को ही पसंद करेगी चाहे जो मर्जी हो जाए। भाई मेरा मैन ऑफ द मैच तो मेरा कोच था शर्मू, जो उसने कैच वैच भी पकड़े हैं यार मेरे बॉय ने। दूसरी बात ये कि मेरे बॉय ने जो 50 मारी है ना इस पिच के ऊपर, ये 50 जो मारी है वो ही सारा डिफरेंस है, अगर उसने 50-50 ना मारी होती तो इनका स्कोर भी ना जाता और श्रीलंका ले गया था गेम। तो मेरा कोच, मेरा दोस्त शर्मा, आई लव यू माइट। कोच से याद आया कि हमारे जो असली कोच हैं जो कि पाकिस्तान के कोच हैं, वो सुना है कि वापस इंग्लैंड चले गए जो कल। अच्छा मसा तो आया सी भाई, ओह मेरे ख्याल में वो पिच रीडिंग वगैरह हो रही थी, टॉस जीत के क्या करना है क्या नहीं करना, किस तरह करना है, बॉलिंग चेंज क्या करना है, ये वो जो पूरी एक मैनेजमेंट की डिसीजंस होती हैं, वो मेरे ख्याल में इसीलिए इतनी वीक हो रही हूँ कि हमारे कोच हैं ही नहीं, हमारे कोच जो है वो फिर काउंटी के लिए जा रहे हैं। यार ये एक इंटरनेशनल टीम है जिसके अंदर वो पता नहीं कितने डॉलर्स ले रहे हैं और वो टीम के साथ है ही नहीं, मतलब एशिया कप के अंदर हमारा कोच हमारे साथ नहीं है, वो इस वक्त इंग्लैंड में बैठे हुए हैं और कोई बंदा इस बारे में बात कर ही नहीं रहा है कि भाई ये कहाँ का इंसाफ है यार। आप सोच भी सकते हैं कि बीसीसीआई जो है वो छोड़ेगा किसी ऐसे कोच को कि वो इंडियन टीम के साथ ना और वो कोई अपनी दूसरी क्लब काउंटी और उनके लिए कोचिंग कर रहा हो यार। मतलब वो जूम के ऊपर सारी हमें जो है बता रहे कि पिच इस तरह लग रही ऊपर मजबूरी सी भाई, कैमरा करो फोन का हाँ करीब करो, अभी फ्लैश लाइट ऑन करो, मुझे बताओ हाँ मेरा ख्याल में इस पे बॉलिंग करनी चाहिए। यार बुरी तरह से एक्सपोज हुए हम, और वो इसलिए हुए क्योंकि हमारी आदत है पहले ओवर के अंदर आउट करने की, हमें आदत है पहले दूसरे ओवर के अंदर अगर आउट किया तो नहीं किया, तो प्रॉपर फ्रस्ट्रेट हुए थी। 20 वाली मेंटेलिटी थी कि क्यों नहीं आउट हो रहा, क्यों नहीं आउट हो रहा, क्योंकि चार ओवर के अंदर सब कुछ करना होता है, तो वही हम एक्सपोज हुए। इसके अंदर ओडिया वाली कोई बात ही नहीं थी, इस तरह आदत हो गई है कि बस शुरू में आउट करो, नहीं हो रहे तो बस फिर समझ नहीं आ रही, हर तरह की बॉलें फेंकी जा रही हैं आगे पीछे ऊपर नीचे चेंज ऑफ पेस, हर चीज फॉरन ट्राई की जा रही है कि बस सारी की सारी छह की छह डिफरेंट बॉल्स में कराऊंगा। यही मसला होता है कि ये जो हमारे माशाल्लाह बहुत से जो प्लेयर्स हैं इस वक्त वो T20 के इतने आदि हो चुके हैं, ओडीआई टेम्परमेंट के लिए ना उनको भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ये चीजें बेसिकली कोच ही सिखाते हैं जो कि कोच इस वक्त काउंटी को यही ज्ञान दे रहे हैं। मुझे तो लगता है कि मेरी इसी वीडियो को जो ना अंग्रेजी में डब करके वो उधर दिखा रहे होंगे। जो भी हो आज इंडिया और श्रीलंका का जो मैच था उसको देख के मजा तो आया, फाइट तो हुई ना यार। मतलब यही हम लोग चाहते हैं कि कम से कम कोई विलिंगनेस तो नजर आ रही हो जीतने के लिए। दोनों टीमें जो है 200% एफर्ट्स डाल रही थी, पाकिस्तान में खैर वो लोग जो है वो हार रहे थे तो सही लगे हुए थे कि बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, भी ऑस्कर दे दो ऑस्कर दे दो, लेकिन नहीं भाई, लेकिन पक्का जोर लगाया हुआ था इंडिया ने। इसी किस्म की चीज चाहिए होती है क्रिकेट में कि यार कम से कम प्लेयर जो है वो आपके जीतने के लिए खेल रहे हो। हमारे जो प्लेयर्स है ना उनने वैसे एफर्ट तो की नहीं की, वो तो सबको नजर ही आ रहा था जिस किस्म की फाइट मैंने की थी, लेकिन एक बात बताऊं मुझे ना कुछ
खटक भी रहा था जैसे कोई इनकी ड्रेसिंग रूम के अंदर कोई नाराजगियां चल रही हैं, आपस में रूठे में मूड ही नहीं है खेलने का। ये अभी मुझे नहीं पता क्या खबरें शबरें आएंगी, क्या होगा ये वो, मे बी आई एम रॉन्ग, बट माहौल कुछ इसी तरह मचा हुआ था कि कुछ सही नहीं है, कुछ गलत ही चल रहा है। खैर खुशखबरी ये भी है कि बाबर जो है वो प्लेयर ऑफ द मंथ आईसीसी की तरफ से अवार्ड उनको मिल चुका है और इस मैच के बाद वो अवार्ड भी नसीब हुआ। टाइमिंग थोड़ी गलत हो गई लेकिन चलो फिर भी मुबारक हो बहुत बहुत आप सबको कि बाबर को एक दफा फिर से, हमें ये थर्ड मंथ है ना रो है कि उसको प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिल रहा है। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंट ट्रैवल हो रही है इस वजह से जेट लैग लगे हुए हो रही है वो, तो भाई इंडिया के अंदर जो वर्ल्ड कप होगा ना उसके अंदर तकरीबन इतना ही ट्रैवल आपका हो रहा होगा एक सिटी से दूसरी। आप कभी इंडिया को देख लें आपको पता चलेगा कितना बड़ा मुल्क है, तो थोड़े से यूज टू हो जाए ट्रैवल वगैरह के। ये बहाने वगैरह में हमें आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे कि अब हम उनकी जेट लैग उसका कर रहे हैं। पहले यहाँ पर श्रीलंका में भी थे और पर कनाडा भी जा रहे थे मैचेस खेलने के लिए, वो पर छोड़ देते इतना लंबा और वहां पर जाके फिफ्टियां मार रहे होते थे कनाडा के अंदर, अब अचानक इंडिया के सामने जेट लैग हो गया इनको। दूसरी खबरें ये भी आ रही है कि धानी और जमान खान जो है उनको टीम में रख दिया गया। लोग कह रहे हैं कि जी बड़ी सीरियस किस्म की इंजरी हुई, कोई कह रहे कि नहीं इंजरी कोई खास नहीं हुई भी नसीम शाह और हारिस को, बट जो भी हो मेरे नहीं ख्याल कि ये दोनों अब एशिया कप में आ रहे हैं तो खास तो है क्योंकि अगला मैच भी इंपॉर्टेंट है और उसका अगला मैच मोस्टली इंडिया के खिलाफ, तो पता नहीं किसको हम डालेंगे किसको नहीं। जमान तो फिर भी ठीक है, धानी के बारे में नॉट टू शो, लेकिन फिर डालेंगे किसको? लोग कह रहे हैं कि धानी को क्यों रख लिया भाई, कौन है? एहसानुल्लाह जो है मेरे ख्याल में वो इंजरी के साथ बिजी हुए हैं, बाकी तो मुझे कोई नजर ही नहीं आ रहा कि कौन है हमारे ओडीआई के बॉलर। दूसरी खुशखबरी ये भी कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जो मैच हो रहा है बल्कि अभी भी थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है, तो उसके अंदर साउथ अफ्रीका जीत गए जो वो रैंकिंग में, क्योंकि हमें ऑस्ट्रेलिया ऊपर हो गया था हमसे, अभी तक वैसे ऑफिशियल तो कुछ हुआ नहीं है लेकिन मेरा ख्याल में वो ऊपर हुए हैं क्योंकि वो दो मैचेस जीत गए थे, हम भी एक हमने टाई किए एक हम हार भी गए, तो मोस्ट प्रोबब्ली वो ऊपर नीचे थे हमारे साथ पॉइंट में, तो अभी अगले अगर हम दोनों जीत जाए तो फिर हम शायद ऊपर चले जाएं, अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया ऊपर हो गया होगा जरूर और ऑस्ट्रेलिया आज का मैच हार गया है तो अच्छी बात है कि कम से कम वो हार हार के ही पीछे रहे, हमने तो जीत जीत के आगे जाना नहीं होता। खैर भाई टूर्नामेंट इस वक्त बहुत ही जबरदस्त किस्म के मरहले में आ गया है, पाकिस्तान और श्रीलंका का जो मैच होगा वो बिल्कुल सेमीफाइनल बन जाएगा। अब दुआ करेंगे बारिश ना हो कम से कम, अगर इस किस्म की टर्निंग विकेट्स हुई और हमारे खूबसूरत स्पिनर्स ही आए तो फिर तो पता नहीं क्या होगा हमारे साथ, क्योंकि हमारा स्पिन डिपार्टमेंट तो इस वक्त सबसे ज्यादा वीक है। वो एक लड़का था वो एनको वाला अब रहा है कि क्या है, टेस्ट का कम से कम स्पिनर तो है ना, फुल टाइम स्पिनर है वो, पता नहीं किधर है क्या सीन है, लेकिन इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई हमें ढंग के दो स्पिनर्स नहीं मिल सकते। दूसरी तरफ शान मसूद भी पता नहीं किधर अचानक गायब हो गया, अभी पिछले दिनों ही वो हमें टेस्ट टीम के अंदर भी था और बड़ी जबरदस्त अप्रोच के साथ खेल रहा था, जब वो T20 के अंदर उसको डालना था तब सब कह रहे थे कि ये ODI और टेस्ट का प्लेयर है, अब ODI की बारी आई है तो अब इसके अंदर उसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं हो रहा है। वाइस कप्तान भी था वो 2 महीने पहले तक और अब वो स्क्वाड में ही नहीं है, तो फख्र की जो हालत मची हुई है जो उसकी बुरी फॉर्म चल रही है उसको नहीं हम क्या खिला सकते, या वो मेरे हमें मिडिल में भी आके कर रहा था ऊपर मिडिल ऑर्डर की भी हालात हमारे खराब हैं, स्पिन बॉलिंग को खेल नहीं सकते। खैर तो उस शकील के बारे में बातें हो रही कि मेरे ख्याल में वो अब आ जाएंगे टीम के अंदर, तो लेट्स सी के वो कैसा रहता है, बट जो भी हो हालात हमारे काफी पतले हैं। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो। सही है, मेरे ख्याल जरा पाकिस्तान टीम के भी थोड़ी बहुत जरा शफल जहा हो जाए ना तो जो सिस्टम सही हो जाएगा। इंडियन टीम के इंडियन टीम ने दिखाता बी कि हूँ तो हाँ भी किंग कोहली कोहली ही है, रोहित शर्मा KL राहुल शुभमन गिल पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छी पारी खेडिया सी इन्होंने, तो पर उस तो बाद पाकिस्तानी टीम का जरा काफ़ी हौसला जरा डाउन जहा हो गया लग गया से मैं लगता स, क्योंकि हारिस ते नसीम दो एक मेन प्लेयर से इन्हां दे जिहड़े दोनों ही नहीं खेड रहे, वैसे दोनों प्लेयर होने चाहिए है क्योंकि जिहड़ा मज़ा इंडिया पाकिस्तान दे मैच विच आना चाहिए सी वो आया नहीं। हुण जिवें कल इंडिया ते श्रीलंका का जो मैच होया उहदे विच फिर भी एक टक्कर देखण नूं मिलदी है, दोनों टीमां जी जान ला रही हैं लेकिन पाकिस्तान ने उस दिन पता नहीं की किया यार, जी जान की उन्होंने तो इदां लग रही कोशिश ही नहीं की, मतलब एड्डी खराब फील्डिंग एड्डी खराब बॉलिंग नसी, मतलब पता नहीं की होया सी यार, एनीवेज जो भी सीगा। सो ये सी आज दी वीडियो, अगली वीडियो देखांगे भाई दी जदों मैच होएगा, ठीक है जी। सो बाकी तुसी अपने चैनल नूं सबसक्राइब करो एंड क्रिक रिएक्ट दा जिहड़ा लेटेस्ट एपीसोड ओह वी जाके चैक जरूर कर लियो, मिलदे हां किसी होर वीडियो च, सत श्री अकाल।